वेलकम बैक टू माय चैनल लाइट विद अस। तो आज मैंने फाइनली परचेस कर ली है वर्जन 3 R15 वर्जन 3, जैसे कि आप सब देख रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ऐसे वीडियोस आगे लाता रहूंगा R15 पे। अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसके मॉडिफाई के ऊपर। तो मैं आज बात करने वाला हूँ आपको जो सेकेंड हैंड बाइक खरीदनी चाहिए तो आपको क्या देख के खरीदनी चाहिए, और ये मुझे इसके इसमें जो प्राइस मिली है और मेरे को इसमें क्या कमी मिली है वो सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहे। तो गाइस अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। वैसे इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट डाला है, फिर भी आप सुन लेना, मैंने सेकंड हैंड खरीदी और ये कुछ अराउंड 10,000 किलोमीटर के आसपास चली है। तो ये रहा उसका एग्जॉस्ट साउंड। तो गाइस मैं बात करूँ तो इस बाइक की प्राइस की, तो ये बाइक को मैंने 1.20 में ख़रीदा था। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं इसकी कंडीशन एकदम वेल एंड गुड है, पर मैं अभी इसमें ड्रॉबैक्स भी मैं जैसे कि आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे डिस्प्ले में, यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए हैं। और वही अगर मैं बात करूँ इसके साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर की, जो BS4 से R15 में आने चालू हो गए थे, फीचर्स का एक हिस्सा था, तो इसका साइड ऑफ कट ऑफ सेंसर वो वर्क नहीं कर रहा है पूरी तरह से, बस वो एक ड्रॉबैक है। बाकी सब तो इस ओके, इसका इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी भी आप सेकेंड हैंड बाइक लेने का सोचेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर लेना, तो देख सकते हो स्क्रू को एकदम ध्यान से चेक कर देना ताकि इंजन कुछ खुला था कि इंजन कुछ सीज हो गया था, आप इसे याद से जरूर चेक करना। और मैंने इसमें चेक किया था तो बाकी और इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है, बस एक साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है जो वर्क नहीं कर रहा है। तो आगे मैं ऐसे वीडियोस लाता रहेगा, तो यहाँ पे आप नए हो तो मैं सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मिलते हैं बाद में।